disturbed. ये मेडिसिन आप कब से ले रहे हैं ईशान? कोमा से उठने के बाद से, आई थिंक सिंस 7 मंथ्स। और कौन जानता है इस मेडिसिन के बारे में? मतलब ये कि ये मेडिसिन आप तक कौन लेकर आता है और कौन से स्टोर से लाता है? ये वाले मेडिसिन तो डॉक्टर प्रशांत ही लेकर आते हैं, ये कहीं और नहीं मिलता है, ऐसा उनका कहना है डॉक्टर साहब। लेकिन हुआ क्या डॉक्टर साहब, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? देखिए शायद मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो कि एमनीसिया के मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन तो पूरे वर्ल्ड में बैन है। और जानते हैं इसका इस्तेमाल कौन होता है? इसका इस्तेमाल मानव प्रयोग के लिए किया जाता है। मानव प्रयोग? क्या मतलब? मतलब ह्यूमन ट्रायल। देखिए रेगुलर बेसिस पर अगर ये दवा ली जाए तो कोई भी नॉर्मल इंसान लगभग साल भर में पागल हो सकता है, लेकिन आप इसे पिछले 7 महीनों से ले रहे हैं। और एक बात, आपका एमआरआई टेस्ट भी मैंने कराया, तो जो ब्लड क्लॉटिंग के बाद आपके पिछले टेस्ट में आई है, मेरे इन टेस्ट में सब कुछ नहीं निकला है, यानी कि फिजिकली आप बिल्कुल फाइन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? ठीक है बताता हूँ आपको, बट प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी को नहीं बोलेंगे कि ये सारी बातें आपको मुझसे पता चली। ओके, देखिए मेडिकल फ्रेटर्निटी और डॉक्टर्स की कम्युनिटी ने एक अफवाह सुनी कि डॉक्टर प्रशांत अपने किसी मेडिसिन को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उन मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए वो ह्यूमन सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। इस बात को कोई सबूत तो नहीं है, ना ही पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी है, लेकिन आज आपकी ये मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर और मेडिसिन को देखकर मुझे लग रहा है कि वो अफवाह एकदम सच है। बट फिक्र की बात सबसे ज्यादा ये है कि डॉक्टर प्रशांत का ह्यूमन सब्जेक्ट कोई और नहीं, आप हैं मिस्टर शाह।